नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। शिवसेना नेता संजय राउत को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। पार्टी चाहती है कि संजय राउत लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे। राउत मुंबई की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। संजय राउत फिलहाल राज्यसभा सांसद है। संजय राउत को उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में गिना जाता है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी की राहें अलग हुई, उसके बाद से ही वो बीजेपी पर तीखे हमले करते रहे हैं। आपको बता दें, उद्धव के साथ मुश्किल समय में वो रहे हैं। जून 2022 में जब शिवसेना में बड़ी बगावत हुई और बड़ी संख्या में पार्टी के विधायक और सांसद उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे, उस समय भी संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ ही खड़े रहे थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे और उनके साथ जाने वालों को गद्दार कह दिया था। बता दें, अजीत पवार को भी कठफोड़वा कहा गया था। संजय राउत एनसीपी में बगावत करके राज्य की शिंदे सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार पर भी हमलावर हैं। रविवार को सामना के साप्ताहिक लेख रोकटोक में उन्होंने अजीत पवार की तुलना कठफोड़वा पक्षी से की थी। राउत ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का एक कार्टून का जिक्र करते हुए कहा कि शरद पवार को कठफोड़वा पक्षी बताया गया था जो कुर्सी में छेद कर देता है। राउत ने कहा, अजीत पवार अब वही कठफोड़वा पक्षी बनकर उभर रहे हैं। बीजेपी अब अजीत पवार का इस्तेमाल कर शरद पवार के युग को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस्तेमाल एकनाथ शिंदे की सीएम कुर्सी में छेद करने को लेकर करेंगे, ये भी कहा गया। बहरहाल उनका उन पर निशाना साधना फिलहाल राजनीति में चर्चाओं में।